बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्न्यूज के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में और लेके आऊँ आपके लिए बहुत ही कमाल का टेक्न्यूज। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पर कल की क्वेश्चन की। तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या था कि आप लोग दिन भर में कितने घंटे पबजी गेम खेलते हो। तो दोस्तों एक घंटा दो घंटा खेलने वाले भाई 12% ऐसे लोग हैं जो कि दिन भर में एक घंटा दो घंटा पबजी गेम खेलते हैं। और दोस्तों 75% ऐसे लोग हैं जो कि पबजी गेम खेलते ही नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या भाई पबजी को पूरी तरीके से इंडिया में बैन कर देना चाहिए। बताइएगा अपनी राय ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में, और सारी बातों को मिलाकर दबा दो इस लाइक वाले बटन को। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला अपडेट निकल कर आता है एप्पल की तरफ से, और जो कि दोस्तों जितने सारे अब स्मार्टफोन आईफोन के इंडिया में बनेंगे, यानी कि वेस्टर्न कंपनी है जो कि इंडिया में एप्पल के आईफोन के जितने सारे स्मार्टफोन होते हैं वो बनाती है, और ये कंपनी ने ठान लिया है, यानी कि वेस्टर्न कंपनी ने ठान लिया है कि मैं अब इस स्मार्टफोन को इंडिया में नहीं बनाऊंगा, यानी एप्पल के जितने सारे स्मार्टफोन आने वाले हैं या अभी हैं अब ये कंपनी नहीं बनाएगी इंडिया में। देखते हैं कि आखिर में अब ये इंडिया में इसका भविष्य क्या होता है, यानी एप्पल का भविष्य क्या होता है इंडिया में। दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आता है यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक्स की तरफ से, और दोस्तों अगर आप इस बार ओलंपिक्स देखेंगे, यानी टोक्यो ओलंपिक्स अगर आप इस बार देखने को चाह रहे हैं, तो इस बार आपको रोबोट का बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप आराम से ओलंपिक्स को बहुत ही मजे से और अच्छी तरीके से ओलंपिक्स को देख सकते हैं रोबोट के द्वारा। दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आता है पर मोटोरोला की तरफ से, और दोस्तों मोटोरोला इस बार तैयारी कर रहे हैं मोटो जी 7 को लेकर, जो कि ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और देखते हैं कि आखिर में इस जो स्मार्टफोन है यानी कि मोटो जी 7 है इंडिया में कब आता है और इसकी प्राइस कितनी रखी जाती है। दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आता है पर PUBG की तरफ से, और इस बार भाई बहुत ही ज्यादा सैड न्यूज है, जो कि मेरा जो पिछला वाला टेक न्यूज था उसमें मैंने भी आपसे एक बहुत ही सैड न्यूज शेयर किया था, और इसमें भी मैं आपको बहुत ही सैड न्यूज शेयर करता हूं कि भाई 15 साल का एक लड़का था जो कि दिल्ली का रहने वाला था, और भाई ये गायब हो गया पबजी गेम खेलते या कुछ भी हो। ये इनके जो पेरेंट्स थे वो दावा कर रहे हैं कि इनके जितने सारे ऑनलाइन फ्रेंड थे, इस बच्चे की जितने सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स थे, उन्होंने उस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया, जिसकी मदद से चाहे जो मदद हो या कुछ भी हो, ये बच्चा यार गायब हो गया। तो काफी ज्यादा दुख लगता है, देखते हैं कि ये बच्चा कब अपने घर पर आता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आता है यहाँ पर Redmi Go की तरफ से, दोस्तों जो कि फिलहाल ये Redmi का स्मार्टफोन इंडिया में या कहे पूरी मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 और 3000 mAh की बैटरी, और इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और इसकी प्राइस जो कि है भाई 4499 यानी कि 4499 रुपये को आपका ये जो Redmi Go का स्मार्टफोन है आपको मिल जाएगा अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं। दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आता है यहाँ पर Mi Pay की तरफ से, और दोस्तों फिलहाल जो कि है Xiaomi ने अपना Mi Pay यानी Mi Pay लॉन्च कर दिया है इंडिया में, जिसकी मदद से आप एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं, जैसे कि पेटीएम होता है, फोन पे होता है, एक दूसरे से पैसे भेजते हैं, रिचार्ज करते हैं, उसी तरह Xiaomi ने अपना Mi Pay लॉन्च कर दिया है इंडिया में। देखते हैं कि आखिर में आगे का भविष्य इसका क्या होता है, यानी कि Mi Pay का भविष्य आगे क्या होता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आते हैं यहाँ पर Honor की तरफ से, और Honor दोस्तों फिलहाल लॉन्च कर दिया अपना स्मार्टफोन Honor 10i, जिसकी मदद से नहीं भाई बहुत सारा काम आप कर सकते हो। इसमें भाई आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा, यानी कि 3 कैमरे आपको देखने को मिलेंगे, और देखते हैं कि ये स्मार्टफोन इंडिया में कब आता है और इसकी प्राइस कितनी रखी जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको इतने सारे टेक्नोलॉज के बारे में बताया। तो दोस्तों भाई आज की इस वीडियो में यही इतना ही, जल्द ही मिलते हैं आपको एक नए टेक्निकल टेक न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और मेरा टेक न्यूज आने का समय है 9:00 PM, और ये हमेशा आपके लिए आता रहता है।